राष्ट्रीय हिंदू संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राघव भटनागर द्वारा निर्जा देवभूमि चैरिटेबल ट्रस्ट को महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु 5 सिलाई मशीनें प्रदान की गई। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि आज यहाँ पे निर्जा देवभूमि चैरिटेबल ट्रस्ट को आपने सिलाई मशीन दिया, क्या इसका अभिप्राय है? देखिए, निर्जा हमारी बहन है और बहुत बढ़िया संस्था चला रही है यहाँ पे, तो हमने तो ये खैर कुछ भी नहीं किया, जितना ये यहाँ पे गरीब लोगों के लिए, बच्चों के लिए, समाज के लिए बहुत सुंदर कार्य कर रही हैं, ये तो हमारा एक छोटा सा योगदान है और आगे हम कोशिश करेंगे कि निर्जा जी के साथ मिलकर इस संस्था को बहुत आगे बढ़ाएं और हमसे जितना सहयोग हो जाएगा, हमारे संगठन से जितना सहयोग हो पाएगा, और जो हमारे अभी भाई हमारे मित्र रुपेश कुमार जी, उनकी धर्मपत्नी माधवी जी, हमारी बड़ी बहन सीमा रानी जी, इनका भी बहुत सहयोग रहा है हमारे साथ और निर्जा जी के साथ बहुत दिनों से सहयोग कर रही हैं और हम सब मिलकर निर्जा जी के साथ खड़े हैं और ये संस्था को जिस तरह से आगे बढ़ा रही हैं, हम इनके साथ खड़े रहेंगे और संस्था को और आगे बढ़ाएंगे। निर्जा जी, आपके संचालित सेंटर में आज महिलाओं को सिलाई मशीन दी गई, इसके बारे में कुछ बताइए। ये रघुवेंद्र भैया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये अभी कुछ टाइम पहले मैंने डेंटल कैंप किया था, भैया यहाँ आए थे और भैया को पता चला कि मेरे को महिलाओं के लिए सिलाई मशीन की ज़रूरत है। इन्होंने तुरंत ही 5 मशीन हमारे को यहाँ पे भेंट की है महिलाओं के लिए। इसके लिए मैं भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। समाज के लोग अगर मेरे साथ जुड़ के इस तरह का सहयोग देंगे तो मैं अच्छे से लोगों की सेवा कर पाऊँगी, जो मैं चाहती हूँ कि मैं गरीब लोगों की सेवा करूँ, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा।